Później za górę. A za górę. A za górę. A za górę. A za górę. किरुड़ी बाबा का अंदाज ही निराला है। बाबा जब विपक्ष में थे तब भी ऐसे ही लोगों की आवाज सुनते थे, और आज जब सत्ता में है तब भी लोगों की इसी तरह से समस्याएं सुनते नजर आ रही हैं। जब बात दिन दुखी की आती है तो बाबा खुद कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। बीती सरकार में किरोड़ी बाबा का सड़कों पर खूब संघर्ष देखा, और अब जब इन्हीं की सरकार है तो बाबा कुर्सी पर बैठने के बजाय जनता की समस्याओं का निस्तारण करने में खुद ही जुट गए हैं। इसकी बानगी बुधवार को जयपुर के सचिवालय में देखने को मिली। ये दृश्य सचिवालय के बाहर का है। देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और बाबा एक एक करके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद किरोड़ी बाबा 181 कॉल सेंटर पर पहुंचकर खुद ही आम जनता की शिकायतें सुनने लगे। नागरिक संपर्क केंद्र 181 पर बाबा ने दौसा के मनसुख राम का कॉल रिसीव कर उसकी पीड़ा जानी, साथ ही तुरंत शिकायत का समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति भी बाबा की आवाज सुनकर एक बार तो चौंक गया, लेकिन बाद में उसने तसल्ली से बाबा को अपनी समस्या सुनाई। वहीं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संपर्क पोर्टल जनता की शिकायतें प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए राज्य के सभी लोगों को उनकी किसी भी प्रकार की समस्या दर्ज करने का मौका सरकार द्वारा मिलता है। किरोड़ी बाबा ने विभाग को पुलिस थानों और जिलों की पेंडेंसियों को विस्तार से समझा और प्राप्त शिकायतों का समाधान त्वरित गति और पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए। इससे पहले किरोड़ी बाबा आरएएस मेंस के अभ्यर्थियों के साथ भी नजर आए थे। जब अभ्यर्थी धरना दे रहे थे तो किरोड़ी बाबा उनसे मिलने के लिए दो बार पहुंचे। किरोड़ी बाबा ने ही युवाओं का धरना खत्म कराया। बाबा ने युवाओं से वादा किया था कि वो उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके बाद सरकार इस मुद्दे पर झुकी भी और आरएएस मेंस की परीक्षा तिथि आगे भी बढ़ी। कभी किरोड़ी बाबा दौड़ते हुए नजर आते हैं, कभी बाबा अपने हाथ पर दाना रखकर पक्षी को खिलाते हुए नजर आते हैं, कभी बाबा रात में ही लोगों से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। किरोड़ी बाबा फिलहाल भजन सरकार में कृषि मंत्री हैं और सवाई माधोपुर से विधायक हैं। किरोड़ी बाबा के इस वीडियो को जिसने भी देखा वो किरोड़ी बाबा की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। आपका इस वीडियो को देखकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं।